आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के सापुर तहसील के बेहलोली गांव में एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 मुर्गियों की अचानक मौत हो गई। ठाणे के डीएम और कलेक्टर राजेश जे नार्वेकर के अनुसार बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उनके नमूने पुणे की एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। जिला पशुपालन विभाग को संक्रमण को नियंत्रण करने के उपाय बताए हुए कलेक्टर राजेश जे नार्वेकर का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रभावित पोल्ट्री फार्म में 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 25,000 पक्षियों को मार दिया जाएगा, जिससे बीमारी को फैलाने से रोका जा सकेगा। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में ठाणे के सापुर तालुका के बेहलोली में 300 से अधिक मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित हो चुकी हैं, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने तत्काल 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 15,000 पक्षियों को नष्ट करने का अभियान शुरू किया है। पशुपालन विभाग का कहना है कि नागरिक अफवाहों पर विश्वास ना करें। बेहलोली में एक सोसाइटी के शेड में देसी मुर्गियां और बतख अचानक मर रहे थे। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। मुर्गियों के रक्त के नमूने 11 फरवरी को पुणे में रोग जांच विभाग को जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के संकेत दिख रहे हैं। 70 लोगों की टीम गुरुवार को बाहनी स्थित मुक्ति जीवन सोसाइटी पहुंची थी। इस बीच मुक्ति जीवन सोसाइटी शेड में सभी मुर्गियों को मार दिया गया, जबकि 7 के शेड के कम 100 मुर्गियां और कुछ बतख सुरक्षित बताई गई हैं। इस बीच पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र से 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री फार्मों से पक्षियों के साथ साथ चारा और अंडे को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक अभियान चलाया है। ठाणे जिला कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने तक प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में चिकन विक्रेताओं और ट्रांसपोर्टों की गतिविधियों को रोकने के लिए भी आदेश जारी किया है। इस बीच पशुपालन विभाग अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील कर रहा है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।